तो हेलो साथियों, विकलांग पेंशन की जो पेंशन 3,000 रुपए की किस्त 2024-25 यानी कि ये कब जारी होगी, ये किस्त निकल के जो 2024 की विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन वाले जो हैं उनकी पैसा उनके यानी कि सभी धारकों को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिया गया है। आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग, काफी सारे यानी कि जनपद, काफी सारे कहाँ कहाँ का यानी कि पेंशन जो है दिव्यांग पेंशन भेजा गया है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे टोटल यहाँ पर काफी सारा यानी कि मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर सकता, इतने यानी कि यहाँ पर टोटल पैसा भेजा गया है, कितने गांव में भेजा गया अभी आप देख पा रहे होंगे। अब हम आपको चलिए दोस्तों बताएंगे आज की इस वीडियो में कि दिव्यांग पेंशन का जो आपका पैसा है वो आया है या नहीं आया है, आया है तो कौन कौन लोगों का आया है, कौन कौन यानी कि दिव्यांग लोगों का आया है, किन किन का पैसा रुका है, किन का नहीं रुका है, ये पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको स्किप एक भी नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह के वीडियो के लिए भाई के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट में आए गए हैं, जो सरकार की पोर्टल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेंशन विथ डिफिडिस यानी कि डिफो ये यानी कि जो दिव्यांग पेंशन का है, सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पर दिया हुआ कुल लाभार्थी जितनी जिनकी पेंशन जारी की गई है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है दिव्यांग पेंशन जनपद वार सारांश वगैरह जो दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल पेंशन धारक कितने हैं, यहाँ पर कौन से गांव में कितने हैं, और यहाँ पर कुल धनराशि कितनी है, कौन से गाँव में कितनी भेजी गई है। और यहाँ पर दिया हुआ है जैसे यहाँ पर कुल पेंशन और यहाँ पर धनराशि इस प्रकार से यहाँ पर यानी कि कुष्ठावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन दोनों यानी कि यहाँ पर भेजा गई है। कुष्ठावस्था पेंशन जो हम आपको बता दें पार्ट वन पार्ट टू यानी कि दोनों 2024-25 का ये आपको आ गया है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर दिया है जैसे आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, यानी कि काफी और दोस्तों अगर आपको यानी कि उस प्रकार से एक काम हो और बैक करके और बता देते हैं कि जैसे उस प्रकार से आपका ओपन नहीं हो रहा, किसी कारण नहीं हो पा रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको खाली इतना ही डाल देना, जैसे यहाँ पर हमने डाला है दिव्यांग पेंशन। इसके बाद यहाँ का आप देख पा रहे हैं एक वेबसाइट ओपन हो गई है, दिव्यांग पेंशन यानी कि विकलांग पेंशन योजना जो ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आपको पेज दिखेगा, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये जो आप दिख रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है बैक टू वेबसाइट, तो आपको ये जो ब्लू कलर का बैक टू वेबसाइट दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नमस्कार, इसमें क्लिक एकीकृत कर देंगे पेंशन। आप देख पा रहे हैं जैसे ये वेबसाइट ओपन होके आ गई है, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओपन होके आ गई है। अब आपको इसमें आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम इस वेबसाइट नमस्कार, में जैसे आपका विकलांग का देखना है तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और ये यहाँ पर दिया है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 40% से ऊपर हैं यानी कि अत्यधिक हैं उनको ये मानसिक ये अवस्था श्रवण बाधित महिलाओं पुरुष जो भी हैं उनका उपयोग या जीवन व्यापन के लिए ये उद्देश्य यानी कि ये योजना है, और उनका अकाउंट में ये आता है ये पैसा जो 40% से ऊपर विकलांग के लोग हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये विकलांग का ऑप्शन दिया है, आपको इसमें चले जाना है। यहाँ पर योजना के विषय में नीला कलर का जो दिख रहा है नीचे थोड़ा सा हैंड का ऑप्शन जो आ रहा है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। अब नमस्कार, जैसे आप एकीकृत इसमें क्लिक कर पेंशन देंगे, बोर्ड। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसा ऑप्शन ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर ये ऊपर जो चल रहा है नंबर जो यहाँ पर दिया है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आपका विकलांग पेंशन में नहीं रजिस्टर्ड है। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल पर पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझाया गया और बताया गया है, वो वीडियो पड़ा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किस प्रकार से आपको यानी कि अप्लाई करना है, या कैसे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, पूरी डिटेल से बताया गया है। तो अब चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पेंशन सूची का ऑप्शन आएगा, तो पेंशन सूची के ऑप्शन में पहले नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है 2024-25, तो नमस्कार, इस एकीकृत पेंशन बोर्ड। तो यहाँ पर ये देखिए ओपन होके आ गया। और दोस्तों तो एक बात बता दूं, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी डालिएगा, एमपी से हैं तो एमपी, बिहार से बिहार, झारखंड से झारखंड, यानी कि आप लास्ट में अपने यानी कि स्टेट का नाम जरूर डालिएगा जहां से बिलोंग करते हैं।
अब यहाँ से देखिए, जैसे ये हो गया, अब यहाँ से कोई भी एक आपको एक जिला ले लेना है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक जिला यहाँ से ले लेता हूँ, एक जिला मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगर ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र दिखेगा यानी कि विकलांग का, एक शहरी क्षेत्र दिखेगा। शहरी यानी कि जो शहर से यानी कि बिलोंग करते हैं, ये शहर वालों का है। जो गाँव से बिलोंग करते हैं तो ये गाँव वाले का है। तो गाँव शहर वालों के लिए अपना शहर का नाम डालना है, सिटी का नाम, और जो गाँव वाले का नाम है वो आपका यानी कि विकास खंड डालना पड़ता है, थाना जो भी लगता हो। इस प्रकार से विकास खंड आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हम ये विकास खंड एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा, अभी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राम पंचायत ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, मेन चीज यहाँ से होता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस ग्राम में अब यहाँ पर कुल कितने पेंशन धारक है वो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर कितने 1000 रुपए डाला गया है, यहाँ पर कुल कितने यानी कि गांव में आया है ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपका गांव का ये है, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर क्लिक करना है, यानी कि जो आपका ग्राम हो उसी में आपको क्लिक करना है। ग्राम में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या यानी कि दिव्यांग का जो धारक है वो उसका नाम, और यहाँ पर यानी कि पिता का नाम, आयु जो है मेल है फीमेल है, जलना है ओबीसी है एसटी है वो दिख जाएगा, मोबाइल नंबर लास्ट का 4 अंक दिख जाएगा, लिंक है या नहीं पेंशन का पता लिख जाएगा, धनराशि 3000 रुपए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लाइफ प्रूफ की धनराशि 3000 रुपए यहाँ पर आ गई है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा बैंक है, तो आर्यवर्त बैंक है। अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट दिख जाएगा आपको यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं। और लाइफ प्रूफ मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पर दिया है पेमेंट रिलीज, यहाँ से आपका पेमेंट यानी कि डाल दिया गया है, ट्रांजेक्शन की स्थिति यहाँ पर यानी कि पूरी हो चुकी है, आपके अकाउंट में पैसा सारा पैसा आ गया है। आप यहाँ से काफी सारे लोगों की ये लिस्ट देख सकते हैं, सब लोगों को यानी कि ये पैसा आ गया है, यहाँ से 3000 रुपए की धनराशि, यहाँ से नाम, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी देख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए काफी लोगों की यहाँ जनसंख्या, काफी लोगों का यानी कि आ गया है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।